बढ़ते हुए तापमान के बीच भीषण गर्मी और लू के बीच लोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। ऐसे में सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने आम जनमानस से अपील करते हुए कहा कि दोपहर के समय जब भी घर से निकलें तो पर्याप्त मात्रा में पानी पीकर और अपने शरीर को पूरी तरीके से ढककर ही निकलें। कपड़ों को पहनते समय यह ध्यान रखें कि कपड़े ढीले ढाले और मोटे हों, जिससे सूरज की तेज रोशनी शरीर पर ना आए। वहीं इस मौसम में बड़े बुजुर्गों व बच्चों को विशेष रूप से सावधानी बरतने की जरूरत है। बाहर में खुला हुआ कोई भी खाद्य पदार्थ का सेवन बिल्कुल ना करें या आपको बीमार कर सकता है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया, देखिए कि जैसा कि तापमान बढ़ता है, आज दिन का तापमान 40-42 डिग्री रह रहा है और रात का तापमान जो है 30-32 डिग्री का रह रहा है, तो सर्वप्रथम इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें बचाव करनी है। एक तो ये है कि बिल्कुल धूप में निकलने से बचना चाहिए, खास करके 12 बजे से 3 बजे के मध्य में जब खड़ी सूर्य की किरणें खड़ी रहती हैं उस वक़्त जो है अत्यधिक गर्मी लगती है और हीट स्ट्रोक होने की प्रबल संभावना रहती है। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए और जब बाहर निकल रहे हैं तो सर पर छाता, टोपी, कैप, मतलब गमछा, तौलिया रखना चाहिए। ढीले ढाले कपड़े होने चाहिए, वस्त्र थोड़ा मोटे होने चाहिए और अपना शुद्ध पेयजल अपने पास होना चाहिए। इसके अलावा आजकल जो है कूलर कई जगह इस्तेमाल होते हैं, जिसकी वजह से उसमें मच्छर काफ़ी पनप रहे हैं और जो नवीन बस्तियां बनती हैं जहां पर पानी का जल भराव रहता है वहां पर भी मच्छर होते हैं, तो मच्छरों से बचने का भी पर्याप्त मात्रा में उपाय करना चाहिए। खास करके उनका ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से रहना चाहिए, जो छिछले गड्ढे हैं उनको पाट देना चाहिए, नालियों को ढक देना चाहिए और उन पर नियमित, अगर शहरी क्षेत्र में है तो नगर निगम को सूचित करके उस पर लार्विसाइडल और फंगिस का छिड़काव कराइए। अगर ग्रामीण क्षेत्र में है तो अपनी पंचायत को या ब्लॉक पर सूचना दे करके आप जो है लार्विसाइडल का और फॉगिंग की व्यवस्था करा लीजिए। इसके अलावा अगर अपने घरों में आपके वाले रेफ्रिजरेटर हैं जिसमें फ्रिज के पीछे पानी इकट्ठा होता है, उसको नियमित रूप से प्रत्येक सप्ताह साफ़ कर दीजिए। अपने वाटर कूलरों का पानी प्रत्येक सप्ताह बदल करके उनको खूब अच्छी तरह से माँज के उसमें पानी भरना चाहिए। और अगर घर में आपने अगर जो है चाइनीज बांस लगा रखा है या मनी प्लांट का पेड़, तो उसके भी पानी बदल दें। गमलों के नीचे की ट्रे को हटा देना चाहिए जिससे पानी उसमें एकत्र ना हो। अगर किसी गमले में पानी एकत्र हो रहा है तो उसकी भी साफ सफाई कर देना चाहिए। AES के हमारे पास 8 मरीज निकल चुके हैं, लेकिन इसमें किसी को मृत्यु नहीं है, सभी मरीजों का उपचार करा के ठीक किए जा चुके हैं। अभी तक गोरखपुर में 4 मरीज हमारे पास डेंगू के आ चुके हैं, उपचार के बाद पूरी तरह से स्वस्थ हैं। मलेरिया के भी हमारे 4 ही मरीज निकले हैं जो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। तो स्वच्छ जल, ताज़ा खाना और मच्छर से बचने का उपाय करें, धूप में ना निकलें।